तो गाइस मैं आज करने जा रहा हूँ एक डच चैनल को जिंदा। जी हाँ, इस चैनल पे मैंने 2 महीने से एक भी वीडियो अपलोड नहीं की है क्योंकि गाइस व्यूज बहुत ही कम आ रहे थे। 500 गाइस 500 के ऊपर ही नहीं जाते, 480 ऐसे से कुछ व्यूज आ रहे, तो फिर मैं भाई बहुत वो हो चुका था, क्विट कर दिया फिर मैंने। लेकिन भाई फिर याद आया भाई 2 महीने बाद, चलो इसको इंक्रीज करते हैं। उसके बाद मैं सोचा फिर ऐसे वीडियोस क्या बने टॉपिक्स जो वायरल हो, तो फिर मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, फुटबॉल के वीडियोस, क्योंकि वो शॉर्ट्स में ज़्यादा वायरल होते हैं। तो फिर मैंने सोच लिया, पहले भी मैं वही डाला था लेकिन उसमें भी कुछ व्यूज़ नहीं आ रहा था, तो फिर मैं आपकी बार ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आपके भी जितने मेरे 10K ईजिली व्यूज़ अर्न कर सकते हो आप लोग, बहुत ईजी होगा। चलो गाइस बताता हूं मैं कैसे करते। Day 1 पे मैंने किया एक वीडियो अपलोड रोनाल्डो की, जी एडिट करके मुझे उसमें भाई कितने भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका था, लेकिन फिर उसको मैंने एडिट करके अपलोड किया। वैसे ही भाई उसके बाद अगले दिन मैं उसका व्यूज चेक करता हूँ तो उस पर आएगा इस टोटल 485। जी हाँ, बहुत कम आएगा इस। फिर उसके बाद फिर गाइस मैंने इसमें क्या किया पता है, सेकेंड वाली वीडियो में मैं कुछ गाइस सोचा गया था ऐसा क्या करने चाहिए, फिर याद आया मुझे टाइटल। जी हाँ, टाइटल यूनिक रखना पड़ेगा। मैंने रखा था गाइस यहाँ पे सेकेंड वीडियो का टाइटल रोनाल्डो एडिट फुटबॉल वीडियोस, लेकिन गाइस इस पर भी गाइस कुछ इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक ठाक वैसे था। तो फिर मैंने तीसरे दिन पे मैंने गाइस कुछ यूनिक सा करने का सोचा। फिर उसके बाद गाइस मैंने तीसरे दिन पे मैंने लिखा गाइस टाइटल को चेंज एंड वीडियो को अलग कर दिया, एंड वीडियो गाइस सिंपली नॉर्मली क्रिएट कर दिया 5 मिनट में। पहले उतना टाइम लगता था, आधे एक घंटा, उतना ज़्यादा मैंने टाइम नहीं लिया क्योंकि गाइस सिंपल वीडियो ही लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसी गाइस एडिटिंग वाली उतनी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि गाइस आजकल के लोग अलग है, ठीक है ना। Day 3 पे मैंने टाइटल और गाइस डिस्क्रिप्शन तो मैंने डाला नहीं, और गाइस मेरी कैटेगरी है गाइस गेमिंग की, मैंने उससे हटाया नहीं था। तो गाइस गेमिंग में आप बता दूं कि गाइस आप लोग कैटेगरी आप लोग कोई सी भी रख सकते हो, उससे गाइस उतना कोई इतना मतलब नहीं होता है, लेकिन हाँ याद जरूर रखना, अगर आप इस फुटबॉल के बना रहे हो तो स्पोर्ट्स या फिर एंटरटेनमेंट ऐसे रख लेना, ज़्यादा भी व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो तीसरे दिन पे मैंने रखा था यहाँ पे टाइटल क्वालिटी, एंड उसके बाद इमोजी लगा के यहाँ पे पूरे हैशटैग्स भर दिया मैंने। तो उसके बाद हम मैंने गाइस शुरुआत में गाइस मैं अपलोड करते ही साथ ही 1-2 घंटे 5 घंटे बाद मुझे मिले गाइस 500 कुछ व्यूज़ मिलते थे, तो फिर मैं उसके बाद भी मैंने वो छोड़ दिया था, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद अगले दिन चेक किया तो उस पर गाइस सीधा गाइस 6.4K व्यूज़ हो चुके, जी हाँ, और गाइस 200+ लाइक भी हो चुके गाइस। उसके अगले दिन मैंने सोचा गाइस कुछ और के और यूनिक करते हैं भाई, पूरे एडिटिंग के वीडियोज़ आ रहा हूँ, मतलब एडिट करे हुए मैं कोई पूरे अलग अलग एडिट्स के ही वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एक ही वीडियो मतलब ऐसे नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है ना, एडिट मैं खुद ही करता हूँ, अलग अलग वीडियोज़ डाल रहा हूँ बस ऐसा। तो फिर मैंने अगले दिन भाई ठान लिया कि भाई एनीमे की वीडियो को सी भी लेकर भाई एडिट कर दे, तो फिर मैंने यहाँ पे ओबीटो की वीडियो लेकर ज़बरदस्त से एडिट कर दिया, क्वालिटी वाली इफेक्ट डाल के एकदम ट्रांसलेशन सब कुछ डालकर डाला, अपलोड किया मैंने ऐसे। उसके बाद मैं वेट किया, उसके बाद हमको मिला गाइस 400+ व्यूज़ मिला है, जी हाँ 500 होने वाला है, क्रॉस होने वाला है 500। लेकिन गाइस इतने व्यूज़ से हमें अभी मज़ा नहीं आएगा क्योंकि हमें अभी चाहिए भाई, हम अभी अपग्रेड हो रहे हैं समझो, हमको ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ चाहिए। उसके लिए भी हम लोग को अब कुछ टाइटल यूनिक रखना पड़ेगा, या फिर एनिमे की जगह फुटबॉल की भी बना सकते हो, एनिमे भी आप कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को ट्रेंडिंग टॉपिक्स ढूंढना पड़ेगा। तो फिर मैं फुटबॉल का ही डिसाइड कर लेता हूँ। चलो गाइस यहाँ पर बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ फोटोज़ कितने कितने व्यूज़ आए हैं सब पर, 7 दिनों में इतने मैंने क्या क्या डाला, ठीक है चलो देख लो आप लोग रिजल्ट। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6। तो चलो गाइस आप लोग भी बोल रहे होंगे Day 7 का कहाँ है। गाइस Day 7 की गाइस कुछ स्टोरी है गाइस, आप लोग को बताना ही पड़ेगा। Day 7 पे हुआ ऐसा कि मैंने वीडियो तो अपलोड की है लेकिन व्यूज 500 से ऊपर नहीं गए। उसके बाद गाइस मैं अगले दिन वेट करा, उसके बाद गाइस पुरानी जो अपने ओल्ड वीडियोज है ना उस पर गाइस बूस्ट होने लगा, 3K 4K बोल के 7.1K उस पर चले गया था। फिर उसके बाद गाइस जैसे ही Day 7 पे अगले दिन हुआ, मैंने भी भाई शॉक से रॉक हो चुका था भाई, मेरा दिमाग भी और मैं भी, क्या ही बताऊं भाई। ऐसा मैंने ओपन किया भाई 351 सब्सक्राइबर्स, ओ माय गॉड 10K व्यूज, ओ भाई साहब 200+ लाइक्स, आय हाय हाय। तो गाइस आप लोग बताना कि मेरा गाइस यूट्यूब ट्रीट 7 डेज शॉर्ट्स कैसा था, कि मैंने इसको चेक किया 7 डेज के लिए। अगर आप लोग चाहते हो तो गाइस हम लोग नेक्स्ट लॉन्ग पे भी टेस्ट करेंगे, और गाइस 30 डेज तक भी टेस्ट करेंगे एक नया चैनल बनाकर, अगर आप लोग को ये चैनल पे भरोसा नहीं हो रहा, ये चैनल ऑलरेडी वायरल लोग कह रहे हैं तो, ठीक है ना। चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ, सुनो तब तक बाय बाय गाइस, बाय बाय।